इसकी 5000 mAh की बैटरी है, 5 MP रियर कैमरा, हेलियो G85 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है और ये गेमिंग फ़ोन है। जो अरे ये ZTE का नया मॉडल आया है, यूनाइटेड कंपनी की वारंटी में है। ये 4,64,26,27,000 में नॉर्मली हर शॉप पे मिल जाता है। जो मॉडल है ना ये 4,64 का मॉडल है, ये यूनाइटेड की वारंटी में, ये भी बहुत मेहनत, इसकी शेप भी अच्छी है, खूबसूरत भी है। ये गेमिंग फ़ोन जो है ना ये भी रियलमी का है, 4,64, ये तकरीबन 26,000 का लॉन्च हुआ था। ये रेडमी का नोट 11 है, एमोलेड स्क्रीन है, 50 MP कैमरे, 6 GB 128 746,500 में मिल जाते हैं, 46,500 फ़ोन है। ये 19,000 रुपये 232 में, ये 12-13,000 रुपये में लॉन्च हो गया था। ये बेहतरीन फ़ोन है, 5000 mAh की बैटरी है, 232 से 4G सपोर्ट है, ये 48 MP ट्रिपल कैमरा है, तो ये भी बेहतरीन फ़ोन है। 8128 तो ये भी 35-36 में मिल जाता है, क्यों नहीं, इसका सॉफ्टवेयर अच्छा। दूसरी बात, ये एज भी बना है, इसको एज किया हुआ है। तो मॉडल है ना ये 4,64, इसमें कलर बहुत खूबसूरत है। एक इसमें ये ब्लैक कलर है जिसमें शीम दिया हुआ है, 4+3 है, इसमें ये क्वालिटी दी हुई है कि 4 GB रैम है लेकिन +3 दिया हुआ है। हाय फ्रेंड, कैसे, उम्मीद करते हैं आप खरीद होंगे। तो फ्रेंड आज हम मौजूद है एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड आज मौजूद है हम अलनूर गोल्डन मोबाइल की शॉप पर। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे यूज़ भी मोबाइल मिल जाएंगे, नए भी मोबाइल मिल जाएंगे। तो चलते हैं अलनूर भाई की तरफ और उनसे पूछते हैं उनके पास कौन सा मोबाइल की वरायटी है और क्या क्या प्राइस है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रोविल साइट एरिया से ब्लॉक 1 कराची की तरफ से अलनूर कम्युनिकेशन का ओनर, हमारे इस पट्टी पे ब्लॉक 1 पे 3 से 4 शॉप है जो हम लोग कंपाइन है। अच्छा चलते हैं मोबाइलों की तरफ। अब मोबाइलों में जो है ना आजकल जो रेट के मैनेजमेंट हो रहे हैं, रेट काफ़ी हाई है, तो इस वजह से ये किटों का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में ये बंद हो चुके थे, तो अब ये जो है ना ये 4128 में है, लेकिन ये 6128, लेकिन ये 6128 होते नहीं है, वैसे पॉसिबल नहीं है ना ये 6128, पुराने ओल्ड फ़ोन है, 2018-19 के मॉडल है। तो अब ये जो है ना इसे 15-16 में हम लोग सेल कर सकते हैं, तो आप लोग भी इसकी जो है ना कोशिश करें लेने की। तो ये कम रेंजों में पहले 15-16 में 2/32 इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह में मिल जाते थे, अब वो क्योंकि है नहीं 22-23 में, और पीछे से इम्पोर्ट बंद होने की वजह से काफ़ी, और डॉलर के बढ़ने की वजह से काफ़ी रेट हाई है। तो इस तरह ये Y81 है, ये भी इस तरह जो है ना 13-13,500 का 6128 है, लेकिन ये 6128 है नहीं वैसे, ये 4,64 में आता है। तो हम आपको इस बात में आपको एग्री करते हैं कि आप कहीं पर भी शॉप पे जाए लेने के लिए तो ये 6128 में आपको नहीं मिलेगा। हालांकि होगा, दिखने में होगा ये 6128, लेकिन होता नहीं है वैसे, तो ये 4,64 में ही मिलेगा। इस तरह फिर जो है ना ये वीवो के फ़ोन है कम रेंज वाले, जो बिल्कुल 9-10 की डिमांड करते, इससे ऊपर के उनके पर अवेयरनेस नहीं होती लेने की। तो इस तरह ये वीवो का जो ना Y53 का मॉडल है, इस तरह ये 3/32 में आते हैं, लेकिन ये 3/32 बेसिकली होता है नहीं, 2/16 का होता है। तो ये 2/16 का जो मॉडल है ना ये Y53 9-9.5 तक मिल जाता है आपको। इस तरह फिर जो है ना ये ओप्पो का आ रहा है A57, इस तरह के ये भी मॉडल है, ये 2/16 में आई थिंक 7-7,500 रुपये आपको हर शॉप पे मिल जाएगा, सदर में, सरीना मार्केट में, काफ़ी एयरपोर्ट्स की तरफ, बेरिया टाउन, हर जगह पे। इस तरह के ये 4128 के वीवो के मॉडल है, वीवो के ये X7 जो 2016-17 के जब वीवो की नई कंपनी लॉन्च हो गई थी, तो उस टाइम की ये मॉडल है X7 4128 के मॉडल, LED AMOLED स्क्रीन वाले हैं, AMOLED स्क्रीन है। तो ये आपको इस टाइम पर प्राइस के हिसाब से मिल जाते हैं 14-14,500। अब चलते हैं कुछ इस तरफ जो है ना ये बॉक्स पैक की तरफ। अब बॉक्स पैक जो है ना इस तरह के देखा जाए तो ये बॉक्स पैक में जो मॉडल है ना ये Y22 न्यू मॉडल वीवो का है। इसकी 5000 mAh की बैटरी है, 5 MP रियर कैमरा, हेलियो G85 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, और ये गेमिंग फ़ोन है, जो पबजी यूज़र है वो भी इसको एडजस्ट कर सकते ले सकते, लेकिन ये महंगाई की, डॉलर के ऊपर और इम्पोर्ट बंद होने की वजह से ये Y22 का मॉडल, ये वैसे 36-37 तक लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन महंगाई की बुनियाद पे ये कम 50,000 की कंपनी के रेट है, और आपको नॉर्मली शॉप पे 46,500 पर 3-3,500 रुपये के डिस्काउंट में मिल जाते हैं। इस तरह ये ZTE का नया मॉडल आया, यूनाइटेड कंपनी की वारंटी में है, यूनाइटेड की वारंटी मॉडल है ZTE, क्योंकि ये पहले हम लोग लाते नहीं थे, नया मॉडल नई कंपनी होती थी, कस्टमरों का हम लोग इस तरह इसको अवेयरनेस नहीं कर सकते थे, उसको समझा नहीं सकते। अब माल महंगा होने की वजह से अब हम लोग ये लेकर आ रहे हैं। तो ये 4,64 26,000 27,000 में नॉर्मली हर
शॉप पे मिल जाता है। कंपनी के रेट इसके 28,999, 28,999। तो इस तरह ये जो मॉडल है ना, ये 464 का मॉडल है, ये यूनाइटेड की वारंटी में, ये भी बहुत मेहनत, इसकी शेप भी अच्छी है, खूबसूरत भी है। तो इस तरह की ये जो हमारे पास ये जो मॉडल है ना, ये कॉमन 19, ये अभी महंगा होने की वजह से ये 6+5 है, 6GB+5GB रैम है। तो ये 128 है और MTK का बोर्ड लगा हुआ है इसमें, हेवी गेमिंग प्रोसेसर है इसमें, G85 का जो है ना, G96 का प्रोसेसर लगा हुआ है, G85। तो इस तरह ये भी आप जो है ना अफोर्ड कर सकते हो अभी महंगाई की वजह से। तो ये 41,500 यानी कि 41,500 में ये आपको अवेलेबल मिल जाता है। इस तरह ये रियलमी का C25Y, ये भी गेमिंग फ़ोन है, जो गेमिंग यूज़र है मैं उनको ये कम रेंज में इसलिए बता रहा हूँ 30-35,000 रुपये के, ताकि वो इस तरह चल सके इनके साथ। इस तरह ये भी गेमिंग फ़ोन है, तो ये गेमिंग फ़ोन जो है ना, ये भी रियलमी का है, 464, ये तकरीबन 26,000 का लॉन्च हुआ था, फिर करते करते 30 पे गया, फिर 35 पे, भी मेरे ख्याल पे 37-38 कंपनी के रेट हो, तो 35-36 में आपको बेसिकली हर शॉप पे मिल जाता है। तो बाकी ये जो है ना, ये रेडमी का नोट 11 है, एमोलेड स्क्रीन है, 50 मेगापिक्सल कैमरे, 6GB 128, इसके रेट महंगा होने की वजह से ये 50,000 कंपनी रिटेल प्राइस है, नॉर्मली आपको शॉप में 46,500 में मिल जाते हैं, 46,500। तो ये एमोलेड स्क्रीन में इसका G85 का प्रोसेसर भी लगा हुआ है इसमें, और 128GB रोम है इसमें, और 6GB इसका अपना रैम है 6GB का। अच्छा, इस तरह अगर कम रेंज में जो 232 के जो कस्टमर है, जो बोलते हैं कि नहीं यार हमको यूज़ में नहीं चाहिए, हमको बॉक्स पैक चाहिए ताकि एक साल हम मुतमईन रहे चलाने के लिए, तो इस तरह ये एयरटेल के फ़ोन है, ये 19,000 रुपये 232 में, ये 12-13,000 रुपये में लॉन्च हो गया था। इसकी शेप भी अच्छी है, 5000mAh की बैटरी है, नॉर्मल है होम यूज़र के लिए, कि मतलब व्हाट्सअप, वाईफाई, फेसबुक वगैरह इनके लिए नॉर्मल यूज़ के लिए ये बेहतरीन फ़ोन है। 5000mAh की बैटरी है, 232 है, 4G सपोर्ट है। इस तरह जो है ना, ये नया मॉडल इसमें यूनाइटेड में, जैसे मैंने आपको ये ZTE में बताया, इसी में एक और कंपनी है, कोड कंपनी है यूनाइटेड, इसका नाम है साइपर, लिमिटेड एडिशन है ये। लिमिटेड एडिशन से जो है ना, ये 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, 8GB 128GB रोम है, मेडिटिक एलियो P60 ऑक्टा कोर 2GB प्रोसेसर इसमें लगाया हुआ है। तो ये भी बेहतरीन फ़ोन है, 8128, तो ये भी 35-36 में मिल जाता है, क्योंकि अभी 8128 आपको वीवो, सैमसंग वगैरह में, सैमसंग तो 60 से भी ऊपर का गए, और ओप्पो वीवो भी 60 से ऊपर का गए, तो ये भी 35-36 में मिल जाता है, अच्छे फ़ोन है इसका सॉफ्टवेयर। अच्छा, दूसरी बात, ये एज भी बना है, इसको एज किया हुआ है, तो एज भी नॉर्मली जैसे A7 एज और A8 प्लस और सैमसंग के जो मॉडल आपने देखे होंगे, ये उनकी तरह है, लेकिन उनसे नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह फिर जो है ना, ये कोड कंपनी में यूनाइटेड में बोल्ड में मॉडल है, ये भी 464 है, बहुत बेहतरीन खूबसूरत फ़ोन है, डिज़ाइन भी इसका बहुत बेहतरीन किया हुआ है, बहुत आला किया हुआ है। ये 464 3000mAh कैमरा, फिंगरप्रिंट भी अटैच है इसके साथ, और ये जो मॉडल है ना, ये 464, इसमें कलर बहुत खूबसूरत है, एक इसमें ये ब्लैक कलर है जिसमें शीम दिया हुआ है, डबल टच दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत कलर है, इसमें एक नेक्स्ट कलर जो है ना वो ब्लू कलर है। अच्छा, इसमें ये वीवो का V20 जो है ना, ये आजकल V21e हो गया, इस तरह के मॉडल है वो अभी इस टाइम में 70-75,000 रुपये के मिल रहे हैं। इसमें ये इन्फिनिक्स का जो हॉट 12 प्ले, 6000mAh की बैटरी है, इसमें 464 का मॉडल है, 4+3 है, इसमें ये क्वालिटी दी हुई है कि 4GB रैम है लेकिन +3 दिया हुआ है। तो ये अगर 32 में मिल रहा है, तो इन दिनों के हालात में जो महंगाई की वजह से जो डॉलर ऊपर है, जो इम्पोर्ट बने, तो इसमें ये बेहतरीन है, ये भी आप परचेस कर सकते हो 32,000-32,500, ये भी पबजी के लिए, फ्री फायर के लिए बेहतरीन फ़ोन साबित होगा और आप चला सकते हो। इस तरह ये इन्फिनिक्स का होट 12 है, ये 6GB+5GB है, 6GB+5GB मतलब 11GB रैम पे ये चलेगा, 11GB रैम पे चलेगा, 128GB इसका अपना रूम है। ये भी हेलियो G85 का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसका मॉडल का नाम, कंपनी का नाम है इन्फिनिक्स, और होट 12, ये लॉन्चिंग जो है ना फ्री फायर में अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इनको मॉडल दिया था कि आप हमारी स्टिकर लगाए फ्री फायर की तरफ से। तो ये भी पबजी और फ्री फायर के लिए बहुत बेहतरीन फ़ोन है, 38-37 में मिल जाता है नॉर्मली शॉप पे, इस कंपनी के रेट तो 40-42 चल रहे हैं। इस तरह ये टेक्नो का मॉडल है, कॉमन स्पार्क 8C का मॉडल है, जिसकी 4GB रैम है +3GB है, ये भी 7GB रैम पे चलता है, 7GB रैम पे चलते हैं, 7GB+3GB रैम है, मेमोरी फंक्शन इसमें जो है ना 128GB अपना रूम है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 9GB ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 5000mAh की बैटरी है, सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आजकल के हिसाब से बैटरी टाइमिंग लोगों को ज़्यादा चाहिए ताकि गेम खेले और इन्जॉयमेंट करो और पूरा दिन चले। तो इस तरह इसकी भी 5000mAh की बैटरी है,
और सुपर बोस्ट है। सुपर बोस्ट हो मतलब आप समझ गए सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन होता है। अच्छा इस तरह ये 3/32 में ये जो मॉडल है ये सिग्नल का आ रहा है 3/32 जो है ना 27,000 से कम के मिलते हैं नहीं, 27,000 से कम में मिलते नहीं। तो ये इस तरह ये भी आपको 22,500-23,000 में मिल जाते हैं नॉर्मली हर शॉप पे। इसका लुक आप देख लो जो आईफोन का जो मॉडल चल रहे उनकी तरह लुक दिया हुआ है और ख़ूबसूरत भी। इसमें कलर भी मिल जाते हैं ब्लैक कलर और ब्लू कलर। अच्छा ये 3/32 है, ये 22,000-22,500 में मिल जाता है। अच्छा दूसरी बात ये कि इसकी वारंटी बेहतरीन है। आप अक्सर लोग बोलते हैं ये कोड कंपनी हमने देखी नहीं, आपने तो इस तरह इन्फिनिक्स कंपनी भी नहीं देखी थी, आपने इस तरह ओप्पो की भी नहीं देखी, वो आई तो आप लोगों ने लेना स्टार्ट किया तो उनके इतने नखरे जा हो गए कि वो अभी 60,000 से कम के मॉडल नहीं दे रहे, 3/32 वो आपको 32-33,000 से कम में नहीं दे रहे। तो इस तरह ये कोड कंपनी ये हो गया, ये ZTE की जो कंपनी है बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ये आप इसके सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके आप ये सॉफ्टवेयर चेक कर बहुत बेहतरीन है बिल्कुल। अच्छा इसमें जो 4GB है फिर 8GB और बेहतरीन हो रहा है, ये 3/32 में आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका जो है ना बहुत बेहतरीन टिम्स भी दिए हुए इनमें और बहुत खूबसूरत बेहतरीन और आला मेयार का फ़ोन है नॉर्मली रेंज के लिए 22-23 में मिल जाते हैं 3/32 में। ये ओप्पो का A54 है, ओप्पो का A54 है, ये 32-33 में लॉन्च हुआ था, अभी करते करते ये 46-45 पे पहुंच गए। 4GB इसके 128 से आपने तो काफ़ी ली, काफ़ी बंदों ने हमारे लिए होंगे। 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 5000mAh की लास्टिंग बैटरी है, 16MP सेल्फी कैमरा है और 13MP बैक कैमरा है इसमें। ये A16e जो है ना A16e, अब ये जो मॉडल है ये 4/64 है, इसमें ये विदाउट फिंगर है, स्लिक मॉडल है, स्लिक मतलब पतला डिज़ाइन है खूबसूरत, 5000mAh की बैटरी है, ये भी 34-35 में आपको हर शॉप से मिल जाता है। इस तरह ये A57 का जो नया मॉडल है ना 4/64, ये थोड़ा महंगा बनाया है इन लोगों ने, लेकिन ये कि लुक वाइज में बहुत खूबसूरत और आला मेयार का बनाया हुआ है। ये इसके 50,000 कंपनी के रेट है और आपको हर शॉप में मिल जाता है 46-45,500 में। इसका 33, अच्छा इसमें जो खासियत है अच्छी चीज़ है, 33W का सुपर वॉक चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है, 5000mAh की बैटरी दी हुई है, अल्ट्रा लाइनर स्टेरियो स्पीकर भी दिया हुआ है, मतलब जो स्पीकर इसका जो होता है ना वो तेज़ होता है, खूबसूरत होता है। और इसका कलर रिच डिस्प्ले है, ओप्पो ग्लू डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन बहुत प्यारा बनाया हुआ है, और 1TB जो ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज है, मतलब 1000 की एक्स्ट्रा स्टोरेज भी इसमें अवेलेबल है। बाकी आप हमारी शॉप पे आए और ये अलनूर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें अलनूर गोल्डन में मैं ऑनर हूँ, सैयद गौसर ईशा मेरा नाम है, निक नेम से गोल्डन के नाम से जाना जाता हूँ। आप आए इंशाल्लाह आपको यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मेयार के फ़ोन भी मिलेंगे और आपको एक दोस्ती और एक भाईबंदी के जैसे आपको रिलेशन भी मिलेगा। नदीम जावेद ऑफिशियल की तरफ से जो ये भाई लोग हमारे पास आए, आप इनकी तरफ से जब हमारी शॉप पे आएंगे तो आज इंशाल्लाह आपको बेहतरीन बेहतरीन डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको बहुत आला और अच्छी चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे और इन भाइयों की बदौलत आपको भी कुछ फ़ायदा होगा और हमें भी होगा। तो इंशाल्लाह आए ज़रूर, हमारे पास किटें भी मौजूद है, यूज़ में हर मॉडल है। मैं आपको स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर भी आ जाएगा 0331296030, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो इंशाल्लाह। तो मेट्रोविल कराची के हर ज़िले पे आप पहुंच सकते हो, हम भी पहुंच सकते हैं, तो इंशाल्लाह रिलेशनशिप चलती रहेगी और इन भाइयों की बदौलत आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट पे आपको फ़ोन दस्तियाब होंगे और अच्छे डिस्काउंट के साथ। थैंक यू वसलम। जी तो व्यूअर, जैसे कि गोल्डन भाई ने आपको सारे मोबाइल की प्राइस बता दी, इसके अलावा इनके पास यूज़ में भी मोबाइल दस्तयाब है और इनके पास डब्बा पैक मोबाइल भी दस्तयाब है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इनके पास मोबाइल दस्तयाब है। इसके अलावा इनके पास चार्जर, एयरबड्स और मोबाइल की एसेसरीज भी दस्तयाब है। इनका नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे और मुनासिब रेट है इनके पास, तो आप इनकी शॉप का विज़िट करें अगर आप कराची में रहते हैं। अगर आप अदर सिटी में रहते हैं तो आप इनके नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मोबाइल की प्राइस जाननी आप मोबाइल की प्राइस जान सकते हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।